अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लार्ज एनिमल सर्जरी क्लास में आपको वेलकम करते हैं। ये फाइनल ईयर डीवीएम स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन लेक्चर है। ये क्या है, इस स्लाइड में वन में क्या है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कॉमनली होते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं, लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में आया था। नंबर वन ब्लैंक ये है कि बेनाइन ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी इज़ नोन एज, ओरल कैविटी में कौन सा ट्यूमर होता है, इप्यूलस, ये लेक्चर में भी आपने देखा है। नंबर टू जो है, देर आर थ्री कैविटीज इन हेड ऑफ द हॉर्स सच एज, नंबर वन क्रेनियल कैविटी, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। थ्री कैविटीज हैं स्कल में, हॉर्स में, काऊ में, बफेलो में, गोट में, शीप में, हर एनिमल में, इवन ह्यूमन बींग में भी। नेक्स्ट जो है, विच नर्व इज ब्लॉक ड्यूरिंग डी हार्निंग ऑफ अ काउ, वो नर्व कौन सी है जो ब्लॉक करते हैं डी हार्निंग के लिए, वो कॉर्नियल नर्व CNB, क्या है CNB, ये है CNB। नेक्स्ट जो है वो है प्रोलेप्स ऑफ थर्ड आई लिड इज कॉल्ड चेरी आय, लास्ट टाइम गोट का भी सर्जरी किया था चेरी आय का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो सी सेक्शन इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ ब्लैंक है इन अ गोट, सी सेक्शन इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ डिस्टोकिया। अदर जो है क्वेश्चन वो है प्रोट्यूजन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज, ब्लैंक है वो है, उसका आंसर है हर्निया। हर्निया कौन सी है, विंट्रल हर्निया या अम्बलिकल हर्निया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब सिस्टोटॉमी इज परफॉर्म्ड इन मेल, इन ए मेल गोट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम है, रिटेंशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक है वो हाई एपिडोरल एनेस्थीसिया इज गिवन इन बिटवीन लास्ट लंबर एंड फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्री, ये जो हिप होता है, ऑक्सकॉक्सी होता है ना, उसमें लगाते हैं ये, खास करके मेजर सर्जरी के लिए। अदर जो कॉमन क्वेश्चन है आपको सबको पता है वो है MPD इज द ट्रीटमेंट ऑफ अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला इन बफेलो, ठीक, ये ब्लैंक। आखिरी ब्लैंक जो है खाल है वो है कॉमन हार्डवेयर डिजीज ऑफ कैटल इज नोन एज TRP, ट्रामाटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस, ये हार्डवेयर डिजीज है जिसमें टॉगल लगाते हैं, बटन होते हैं और सर्जरी होती है उनकी, फिक्स करते हैं किसको, कॉमन हार्डवेयर डिजीज में TRP में क्या है, फॉरेन बॉडी होता है, वो निकालते हैं किसके थ्रू, डायग्नोसिस करते हैं मेटल डिटेक्टर के थ्रू, ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि भाई उसको टिक करें अप्रोप्रिएट, क्या है स्टेटमेंट रॉन्ग है या स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसको करेक्ट करना है। तो ल्यूगल्स नंबर वन है, ल्यूगल सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शन, ये ट्रू है या फॉल्स, ये फॉल्स है। ल्यूगल सॉल्यूशन जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, वो आई के लिए नहीं यूज होता है। ज़ाइलाज़ीन इज अ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, नो, फॉल्स, ज़ाइलाज़ीन इज अ सेडेटिव एनाल्जेसिक ड्रग, अल्फा 2-एडीनो रिसेप्टर्स। नंबर नेक्स्ट जो है वो है बर्डिजो, बर्डिजो इज यूज फॉर द कास्ट्रेशन ऑफ अ मेल गोट, यस ट्रू। नेक्स्ट जो है र्यूमन सर्जरी इज परफॉर्म फॉर द करेक्शन ऑफ LDA, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म, र्यूमन सर्जरी नहीं, इसके लिए ये LDA नहीं होता, LDA को फिक्स करना होता है, कहाँ फिक्स करना होता है, एब्डोमिनल वॉल से, उसको कहते हैं टॉगल और बटन, टॉगल स्विचर से, टॉगल स्विचर होते हैं मजबूत करते हैं, उनको बाहर से लॉक लगाना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो केटमीन इज एंटीडोट ऑफ डिटोमेडिन, नो, मींस फॉल्स है, केटमीन इज जनरल एनेस्थेटिक, डिसोसिएट जनरल एनेस्थेटिक इज यूज फॉर जनरल एनेस्थेसिया, एंड डिटोमेडिन इज अल्फा 2-एडीनो रिसेप्टर्स इज यूज फॉर सेडेटिव एनाल्जेसिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्केल्पल हैंडल नंबर 3 इज अटैच विथ द ब्लेड नंबर 10, ये करेक्ट है।
toe is the hind part of horse toe foot? No. Toe is the front part of horse foot. क्यों? कि हार्स के फुट में थ्री पार्ट्स होते हैं, टो, क्वार्टर, हील. तो टो क्या है? फ्रंट पार्ट है. एडल्ट हार्स हैव 42 टीथ. ये 32 गोट को होते हैं. थर्श इज अ फ्रॉग ईटिंग डिजीज ऑफ हार्स? यस, ट्रू. लेमिनाइटिस इज द डिजीज ऑफ फेटलॉक जॉइंट? नो, फॉल्स है. लेमिनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ सेंसिटिव स्ट्रक्चर जो फुट में होता है उसकी डिजीज है, जिसको कहते हैं फेटलॉक डिजीज. अलग है, ये हो गया लेमिनाइटिस, सेंसिटिव स्ट्रक्चर की है. अब अदर एब्रीविएशंस यूज हुई थी, उस एब्रीविएशन में यूएफपी मींस क्लास में भी बताया था, अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है काउ बफेलो में. लार्ज एनिमल सर्जरी LS. MPD क्या है? MPD मीडियल पटेलर डिसमोटामी. ये एक प्रोसीजर होता है सर्जिकल, जो सर्जरी करके हम उनको दुरुस्त करते हैं. किसको? अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला को. ब्राइट एनिमल की कंडीशन देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं. अगर ठीक ठाक है, सेहतमंद है, तो उनको रिकॉर्ड करते हैं. हॉर्स ब्राइट अलर्ट रेस्पॉन्सिव है. नेक्स्ट जो है शॉर्ट फॉर्म है वो है डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन. यह हार्स के फुट में होते हैं. TVT ट्रांसमिसबल विनरल ट्यूमर हार्स में या एनिमल्स में ये डिजीज कॉमन प्रॉब्लम होता है हार्स में, तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी नहीं होती है ट्यूमर की वजह से. कैट क्या है? ये डायग्नोसिस करना होता है हार्स में या लार्ज एनिमल में, हार्स में फुट प्रॉब्लम में, तो ये कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी एडवांस रेडियोग्राफिक प्रोसीजर रहता है. अल्ट्रासोनोग्राफी USG प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं. आते हैं, डायग्राम बनाना है उसका. डायग्राम ऑफ नहीं, ये है क्वेश्चन क्या है कि फोर लिम्ब एंड हाई लिम्ब के जॉइंट्स. फोर लिम्ब के जॉइंट्स, ये फर्स्ट जॉइंट है, ये याद रखना, शोल्डर जॉइंट. नेक्स्ट जो है एल्बो जॉइंट. थर्ड वन कार्पल जॉइंट, फेटलॉक जॉइंट, पेस्टन जॉइंट, कॉफिन जॉइंट. अच्छा, एक और बात है, कार्पल जॉइंट पे जो है ये, इसमें चार जॉइंट और होते हैं. ये ऐसा नहीं कि इस पे काम ख़त्म हो गया, चार जॉइंट अलग होते हैं इसके कार्पल के, तो इसीलिए हमने मिक्स करके एक कार्पल बनाया है. जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको डिफ्रेंशिएट करना होता है. पेस्टन जॉइंट, कॉफिन जॉइंट, हाइंड लिम में मीन्स पिछले वाली टांग में जो जॉइंट्स आते हैं, नंबर वन जो है हिप जॉइंट, स्टाइफिल जॉइंट, हॉक जॉइंट, फेटलॉक जॉइंट, पेस्टन, कॉफिन जॉइंट. ये जॉइंट्स जो हैं ये हर एक स्टूडेंट्स को याद रखने होते हैं. ये देखो इसके जॉइंट्स के नाम जो बताए हैं आपको, ये है स्केपुला, ये शोल्डर जॉइंट, ये है एल्बो जॉइंट, ये देख रहे हैं ना एल्बो जॉइंट, ये कार्पल जॉइंट, कार्पल जॉइंट, ये है फेलेंजेस, फेटलॉक जॉइंट, फर्स्ट फेलेंग्स, सेकंड फेलेंग्स, थर्ड फेलेंग्स एंड. तो ये है इसका और भी बताते हैं आपको. ये जो हूफ वॉल है, फ्रंट पार्ट जो है इसको कहते हैं टो, ये है क्वार्टर, ये है हील. ये टोटल ओवर ऑल जो भी ये डार्सल पोजीशन में देख रहे हैं इसको कहते हैं डोर्सल वॉल. वॉल के कितने पार्ट हैं? थ्री, टो, क्वार्टर एंड हील. ये जो बैंड बनता है इसको कहते हैं कोरोनरी बैंड. तो आज का लेक्चर आपके लिए ये इधर हम एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल. मैं हूं डॉक्टर तन्यो. अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो समझ में आए और ईजी लगे तो उसको प्लीज़ स्टूडेंट्स में शेयर करना, ताकि सब स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल.